विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन और प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही जारी। पालनहार योजना के प्रकरणों का मामला उठा, मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने जवाब भी यहां पर दिया। आयुर्वेद औषधालय में रिक्त पदों का भी मामला उठाया गया। किरण माहेश्वरी के सवाल पर मंत्री रघु शर्मा ने जवाब दिया। निकट के औषधालय से सप्ताह में 2 दिन लगाने की व्यवस्था और बजट उपलब्धता और स्वीकृति के अनुरूप भर्ती होगी। लंबे समय से विभाग में नहीं कोई डीपीसी, डीपीसी करके नीचे वाले पद ऊपर वाले पदों पर चले जाएंगे। रेपुटेशन से अवस्था में गड़बड़ हुई तो रद्द करेंगे। 16 फरवरी को कंपाउंडर के 416 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। और नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर रघु शर्मा ने यहां पर जवाब दिया, डायरेक्टर का पद खाली है, पीएमओ और डिप्टी डायरेक्टर के सभी 133 पद खाली हैं और साथ ही एमओ के 2304 पद स्वीकृत हैं, इनमें 76 से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन। विधानसभा के बजट का आज 10वां दिन, आपको बता दें लंबे समय से यहां पर प्रश्नकाल चल रहा है। डीपीसी करके नीचे वाले पद ऊपर वाले पदों पर चले जाएंगे, सवाल जवाब यहां पर सदन में हुए। और साथ ही आपको बता दें कि कल राजस्थान का बजट भी पेश किया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, बताएं क्या सवाल जवाब आज हुए, जैसा कि आज विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन है, क्या अपडेट? देखिए मनीषा, आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है और कुल प्रश्नकाल में कुल 21 तारांकित प्रश्न आज थे, लेकिन जी समय अभाव, 1 घंटे में कुल 16 ही प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान हुए जी, क्योंकि कल राजस्थान का बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो वित्त मंत्री हैं वो पेश करेंगे। देखिए बड़ी खबर तो ये कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर बजट को अंतिम रूप दिया है जी। कल सभी को इंतजार है, प्रदेश की जनता को भी इंतजार है कि आने वाला बजट, कल जो बजट आएगा प्रदेश की जनता के लिए रात भरा होगा। आज प्रश्नकाल के दौरान जो सवाल हुए उनमें पिछली सरकार की ओर से जो रिसर्जेंट राजस्थान जी योजना लाई गई थी, रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से निवेश प्रोत्साहन किया गया था, उसको लेकर जो विधायक है पानाचंद मेघवाल, उन्होंने सवाल लगाया कि रिसर्जेंट राजस्थान में जो एनएमए तय रही, देखिए कांग्रेस लगातार पहले भी पिछली सरकार की ओर से जो रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन किया गया था उसको लेकर हमलावर रही है। आज जो कांग्रेस के विधायक है पानाचंद मेघवाल, उन्होंने ये सवाल लगाया था कि क्या एनएमए तय रही आयोजन को लेकर, जिस पर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा है, उन्होंने ये कहा है कि ऐसी सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कुल 19,202 करोड़ रुपए का व्यय इस रिसर्जेंट राजस्थान में किया गया था और 83 योजना इस रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से धरातल पर लाई गई है। देखिए शिकायत की बात थी तो ये प्रसादीलाल मीणा ने कहा है कि लोकायुक्त के माध्यम से कुल 80 करोड़ रुपए के घोटाले की शिकायत लोकायुक्त को प्राप्त हुई है, राज्य सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही पाली जिले में पालनहार योजना के प्रकरण थे उनको लेकर भी आज सदन में मामला उठाया। साथ ही मुख्य रूप से प्रदेश के जो आयुर्वेद औषधालय हैं उनमें जो रिक्त पद हैं उनको लेकर भी आज सदन में मामला उठा। किरण माहेश्वरी जो बीजेपी विधायक है उन्होंने सदन में मामला उठाया था, जिस पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जवाब दिया और कहा कि प्रदेश भर में कुल 3,581 आयुर्वेद औषधालय है और जहाँ पद रिक्त हैं उन पर संबंध उनके आसपास के जो औषधालय है उन जहाँ से सप्ताह में 2 दिन कंपाउंडर लगाकर व्यवस्था की गई है, जल्द ही जो रिक्त पद है उन पर भर्ती की जाएगी जी। देखिए आज प्रश्नकाल के दौरान और भी कई सवाल विधायकों की ओर से लगाए गए थे। आंगनबाड़ी जी के जो कार्मिक हैं मानदेय कार्मिक, उनके बीमा अंशदान को लेकर भी एक बड़ा मामला आज सदन में उठा। बिल्कुल जी, जो विधायक है बांसुर शकुंतला रावत उनकी ओर से सदन में मामला उठाया गया था, जिस पर मंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से कार्मिकों के कल्याण के लिए जो बीमा योजना थी वो बंद कर दी गई है और सरकार इसे वहन करेगी, इसके लिए जी वित्त विभाग को प्रस्ताव भिजवाया गया है। इस पर उन्होंने पिछली सरकार पर भी ये निशाना साधा और आरोप लगाया कि पिछली सरकार की लचर व्यवस्था के कारण ये 2014 में योजना बंद हुई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने वहन करना था लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई। अब जी हमारे विभाग ने
जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट पेश किया जाएगा और प्रदेश की जनता को बेसब्री से इंतजार है कल के दिन का।